जय माता रानी। ये नमस्कार, टेम्पस की टूब लक्ष्य में स्वागत है। मैं आज सुख समस्तीपुर बिहार से हम आ चुके हैं आज पटना। पटना यानी पटन देवी मंदिर, क्योंकि पूजा का सामान हम ले लिए हैं, आज जा रहे हैं माता रानी से मिलने। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में। आज के मंदिर के गेट पे देख सकते हैं, ये माता रानी का मंदिर है। तो अंदर जाके हम दर्शन करेंगे। माता रानी का दर्शन करने के बाद लोग लेवा का दर्शन करते हैं। ये हम आपको दिखाते हैं। तो देख रहे हैं आप, यहाँ सब नमाज करते हैं पूजा करने के बाद। देखा आपने, हम माता रानी का दर्शन किए, आप भी आगे कीजिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है पटना का, पटन देवी माता रानी। देख सकते हैं यहाँ पूजा पाठ का सामान हम लोग लेते हैं, उसके बाद अंदर जाके पूजा पाठ करते हैं। चल रहे हैं अब अपने डेरा की ओर। तो काफ़ी अच्छा लगा माता रानी का दर्शन करने के बाद, और हम इनसे कुछ बात करते हैं। ये भैया जी हैं जो यहाँ पूजा पाठ का सामान देते हैं, इनसे कुछ पूछते हैं। भाई मंदिर कितना दिन लग रहा है हम लोग का जन्म से? जन्म तो क्या जा रहे हैं, अब पुराने लोग थे वो भी तो नहीं है, ये काफ़ी समय से है। तो काफ़ी पुराना मंदिर है, यहाँ जो भी आते हैं सबकी मनोकामना पूरा होते हैं। तो यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ नवरात्रा में लगे तो अब इतना आराम से बैठ भी नहीं पाए। तो यहाँ नवरात्रा के समय काफ़ी भीड़ रहता है, यानी आसिन, हाँ आसिन माह, यानी हाँ यानी आसिन में काफ़ी भीड़ रहता है। और देख सकते हैं इनका ये शॉप है, तो आप भी पूजा पाठ का सामान इनके यहाँ से आके लीजिए। मंडी जी से पूछते हैं, अगर पूजा पाठ यदि कोई करते हैं तो कितना में सामान हो जाता है पूजा पाठ का? 50 का होता है, 100 का होता है, 250 का होता है, 500 का, मतलब भक्त का जितना मन चढ़ा सके उतना ले सकते। तो यहाँ सबसे कम, मतलब जिसके पास यहाँ आके 50 रुपया में यहाँ आके आप माता रानी का चढ़ाना का सामान ले सकते हैं। रहा होगा माता रानी का दर्शन करने के बाद आप सबको। यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।